भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान चाहते हैं कि अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय टीम में शामिल किया जाए। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स के एक शो गेम प्लान में इरफान पठान से ये सवाल पूछा गया, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारत की T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम का हिस्सा होना चाहिए। इस सवाल के जवाब में इरफान पठान ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखना चाहूंगा। इसका कारण ये है कि हम वर्ल्ड कप कहाँ खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में है और वहाँ की पिचें बदल गई हैं। जाहिर तौर पर ये एक ICC टूर्नामेंट है, पिचें बेहतर होंगी। जहाँ तक बल्लेबाजी की स्थिति का सवाल है, हम यही उम्मीद करते हैं। मेरा मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का अनुभव वेस्ट इंडीज में कठिन बल्लेबाजी वाली परिस्थितियों में काम आएगा। हालांकि अगर आप CPL और वहां के स्थानीय क्रिकेट को भी देखें तो बल्लेबाजों को वास्तव में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यही वो जगह है जहां अनुभव काम आता है। हमने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में एक मैच को छोड़कर वास्तव में अच्छा खेला, इसलिए आप बहुत बदलाव नहीं करना चाहेंगे। अब अगर हम वेस्टइंडीज और अमेरिका की परिस्थितियों में विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा ने इस परिस्थिति में 11 मुकाबले खेले हैं जिसमें 47.62 की औसत और 149.41 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 381 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली वेस्टइंडीज और अमेरिका की परिस्थितियों में उतने सफल नहीं रहे। विराट कोहली ने 6 मैच में 29.17 की औसत और 125.00 की स्ट्राइक रेट से मात्र 175 रन बनाए हैं। शायद इसीलिए BCCI T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रोहित शर्मा को तो तवज्जो दे रही है, लेकिन विराट कोहली को दरकिनार कर रही है। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 में होने चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।